नमस्कार, आइए पढ़ते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में। हमें भली भांति पता है कि शून्य, एक, दो, तीन इत्यादि संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं और एक, दो, तीन, चार इत्यादि संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। पर पूर्णांक यानी इंटीजर्स का जो समूह होता है उसके अंदर पूर्ण संख्या भी आती है। धनात्मक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या के अंदर आ गया और उसके अलावा ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं। पर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, मान लीजिए हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक a है और हम उसे एक ऐसी संख्या b से जोड़ रहे हैं जो कि उसे शून्य में बदल रही है। तो हम कहते हैं कि b एक ऋणात्मक पूर्णांक है और उसे हम -a से दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 है तो अगर हम 2 में कुछ ऐसी संख्या जोड़ें जो कि उसे शून्य में बदल दे तो हम कहेंगे कि वह संख्या एक ऋणात्मक पूर्णांक है और उसे हम -2 से दर्शाएंगे। सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे होते हैं और वह संख्या रेखा में 0 से बाईं तरफ आते हैं। आइए देखते हैं संख्या रेखा। तो हमने देखा कि ये शून्य यहाँ पे है और सभी धनात्मक पूर्णांक इससे बड़े होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। अब 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी 4 के लिए हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक -4 मिलता है, जिससे जैसे कि 4 को अगर हम -4 से जोड़े तो हमें शून्य मिलता है। तो और हमने देखा कि शून्य से छोटे सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से बाईं ओर आते हैं संख्या रेखा में। हालांकि कोई भी अगर हम 2 पूर्णांकों को चुने तो उनमें से जो संख्या रेखा में बाईं तरफ आता है वह अपने दाएं वाले से हमेशा छोटा होता है। जैसे कि हमने अगर 3 को और 5, 6 को चुना तो 3 हमेशा 6 से छोटा है। उसी प्रकार -7 और 1 को चुना तो -7 1 से छोटा है, और -9 और 3 -3 को चुना तो -9 -3 से छोटा है। आइए इस प्रश्न को हल करें। पूर्णांकों 1, 0, -7, 5 और -4 को आरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले हम इन पूर्णांकों को संख्या रेखा में लिखते हैं। तो सबसे पहले बीच में आता है 0, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे कहीं पे आएगा 5। बीच में हालांकि हमारे पास 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, पर हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे प्रश्न में इन पूर्णांकों का व्याख्यान नहीं किया गया है। उसी तरह हमारे पास इधर कहीं पे आएगा -4 और फिर यहाँ पे आएगा -7। तो अब अगर हम देखें, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को चुने संख्या रेखा पे तो जो बाईं तरफ आता है वो अपने दाएं वाले से हमेशा छोटा होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं -7 छोटा होता है -4 से, यह छोटा होता है 0 से, यह छोटा होता है 1 से और यह छोटा होता है 5 से। योज्य प्रतिलोम, जिसे हम अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि यह क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पूर्णांक a है, तो वह पूर्णांक जिसे हम a में जोड़ें तो हमें शून्य मिल जाए तो हम उसे कहते हैं कि वह a का योज्य प्रतिलोम है। जैसे कि अगर हमारे पास 2 है तो अगर हम 2 में -2 को जोड़ें तो हमें शून्य मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे पास 3 है तो अगर हम उसमें -3 जोड़ें तो हमें शून्य मिलेगा। तो इसलिए 3 का योज्य प्रतिलोम -3 है। उसी तरह अगर हमारे पास -8 है तो -8 में अगर हम 8 को जोड़ें तो हमें शून्य मिल जाएगा। तो इसलिए -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन का तरीका। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी पूर्णांक में अगर कोई धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम उतनी इकाई दाईं तरफ बढ़ते हैं संख्या रेखा में। मान लीजिए हमारे पास -3 है और अगर हम इसमें 2 जोड़ें तो हम 2 इकाई दाईं तरफ जाएंगे। इसका मतलब -2 और -1, यानी इसका मतलब हम -1 पे पहुंच जाएंगे। उसी तरह अगर हम किसी भी पूर्णांक में अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे
तो हम उतना इकाई पीछे की तरफ यानी बाई तरफ जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास -3 है और अगर हम इसमें -2 को जोड़ें तो हम इसमें -4 -5 पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं -3 प्लस -2 बराबर -5। और अगर हम किसी भी पूर्णांक में अगर कोई धनात्मक संख्या को घटाते हैं तो हम उतनी इकाई बाई तरफ जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 5 है और अगर हम इसमें 2 को घटाएं तो अगर हम पहुंच जाएंगे 3 पे, तो हम लिखते हैं 5 - 2 बराबर 3। आइए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि पूर्णांकों का योग और व्यवकलन कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो संख्या रेखा पे आगे पीछे विचरण करता है और हम उसके स्थान को पूर्णांकों से दर्शाएंगे। तो और अगर वह 3 इकाई आगे जाता है तो हम उसे +3 से दर्शाएंगे, और अगर वह 2 इकाई पीछे जाता है तो हम उसे -2 से दर्शाएंगे, और शुरुआत में वह 0 पे है। अगर वह उसका विचरण कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, +4 -3 +2 -6 -1। तो अगर हम उसकी सबसे बाद की स्थान को पता करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, आइए समझते हैं। तो शुरुआत में वह 0 पे था, उसके बाद 4 इकाई वह आगे जाएगा तो वह 4 पे पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद वह 3 इकाई पीछे आएगा तो वह 1 पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वह 2 इकाई फिर से आगे जाएगा तो वह 3 पे पहुंच जाएगा, फिर से वह 6 इकाई पीछे आएगा यानी कि वह 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि वह यहां पे आ गया -3 पे। अब वह फिर से 1 इकाई पीछे जा रहा है यानी कि वह -4 पे आ गया, तो हम लिखेंगे कि यह -4 के बराबर होता है। उसी प्रकार अगर वह -2 पे है और अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि यह क्या दर्शा रहा है, तो हम कहते हैं कि -2 के बाद वह -2 इकाई वह पीछे जा रहा है, इसका मतलब वह 2 इकाई आगे जा रहा है। तो अगर हम -2 पे हैं और अगर -2 इकाई पीछे जाए, इसका मतलब हम 2 इकाई एक्चुअली में पीछे आगे आ रहे हैं, तो 1 और 2 इसका मतलब ये हो जाएगा 0 के बराबर। आइए कुछ सवाल पे नजर डालें। -5 + 2 -3। तो इसे हल करने के लिए हम वही अपना तरीका अपनाएंगे, संख्या रेखा वाला। तो हमारे पास 0 है, हम 0 से 5 इकाई पीछे जाते हैं तो हम -5 पे पहुंच गए, फिर यहां से 2 इकाई आगे तो हम पहुंच गए यहां से पहले -4 पे फिर -3 पे, फिर हम -3 इकाई पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब हम 3 इकाई आगे जा रहे हैं तो हम पहुंचे -2 पे फिर -1 पे और अंत में 0 पे। तो इसका मतलब -5 + 2 -3 बराबर 0 होता है। यह कुछ सवाल आपके लिए दिए गए हैं। पूर्णांकों का गुणन। तो अगर हमारे पास एक पूर्णांक संख्या a है और पूर्णांक संख्या b है तो हम उनके गुणन को कैसे समझें, तो आइए एक उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए दिया हुआ है 2 × 5, तो हम इसे ऐसे समझते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 5 बार 2 को लिख के उनको जोड़ना। तो हमें पता है 2 + 2 = 4, फिर 2 + 2 = 6, फिर 2 + 2 = 8 और फिर 2 + 2 = 10। पर अगर हमारे पास ऐसी पूर्णांक संख्या है जो कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो हम उनका कैसे गुणन समझें, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। तो मान लीजिए एक ऋणात्मक संख्या हमारे पास में -3 है और एक धनात्मक संख्या
हमारे पास में 5 है, तो हम इनके गुणन को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास -3 5 बार लिखा है और हमें उनका योग करना है, और हमें योग करना तो आता है। तो हम देखेंगे कि -3 -3 -3 -3 और -3 को जोड़ के हमें मिलेगा -15। तो हम यहां से देख सकते हैं कि अगर हम इसे ऐसे समझें कि हम -3 गुने 5 करना है हमें, तो हम पहले 3 गुने 5 कर लें और फिर इसमें एक ऋण का चिन्ह लगा दें। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास से दो धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं, तो -a गुने बी बराबर होता है ए गुने बी का ऋण। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि -1 गुने -1 बराबर 1 होता है। तो अगर हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो -a गुने -b बराबर हो जाएगा a गुने -1 और -1 गुने b। तो हम लिख सकते हैं a गुने 1 गुने b, जो कि a गुने b के बराबर है। तो इसलिए -2 गुने -3 अगर हम लिखें, तो यह बराबर होता है 2 गुने 3 के, जो कि बराबर होता है 6 के। आइए एक प्रश्न पे ध्यान दें। -26 गुने -3 गुने -2 प्लस 2 माइनस -3 -6। तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें -3 गुने -2 को हम लिख सकते हैं -26 गुने 3 गुने 2। फिर हम लिख सकते हैं 2 माइनस -3 को 2 प्लस 3। फिर अब चूंकि 2 गुने 3 होता है 6, तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 6। फिर इसे हम लिख सकते हैं -26 प्लस -26 प्लस -26 प्लस -26 प्लस -26 प्लस -26 और फिर -1, क्योंकि 5 में से अगर हम 6 घटाएं तो हमें -1 मिलता है। और हम इसे लिख सकते हैं ऐसे -26 गुने 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास में